कोरोना संकट से जूझ रहे झारखंड को आर्थिक मदद की दरकार है। सरकार एक पैकेज का प्रारूप तैयार कर रही है। उधर बीजेपी ने तंज कसा है कि हेमंत सरकार कोरोना पर क्या खर्च कर रही है, इस पर श्वेत पत्र जारी करें। झारखंड ही नहीं, पूरा देश कोरोना संकट से लड़ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये महामारी कहर बरपा रही। झारखंड को इस संकट में मदद की दरकार, इसके लिए एक पैकेज तैयार हो रहा है, जल्द ही इसे केंद्र के पास भेजा जाएगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी फिलहाल इतने ही सुन लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं, दो चार दिन में हम लोग फिर पूछ लीजिएगा, बता देंगे। इस संकट में सरकार को केंद्र ने आर्थिक मदद दी, इसके अलावा खाद्यान्न सामग्री भी उपलब्ध करा रही है, पर झारखंड सरकार को एक विशेष पैकेज की दरकार है। यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं, उनका पुनर्वास भी होना है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम ने कहा है कि संकट में सरकार को केंद्र से मदद लेनी है। केंद्र सरकार के ऊपर में राज्य सरकार का बकाया है, तो केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि इस महामारी के समय में अगर हम राज्यों को मदद नहीं देंगे, राज्य को वित्तीय सहायता अगर नहीं दिया जाएगा, तो काफी परेशानियां होंगी। झारखंड सरकार के कामकाज पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी को लगता है कि झारखंड सरकार जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र हर तरह से मदद कर रहा है। आर्थिक पैकेज मांगने से पहले हेमंत सरकार कोरोना खर्च पर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि सच और झूठ का पता चल जाए। केंद्र की सरकार ने खुले दिल से, दोनों हाथों से इस राज्य की सरकार झारखण्ड सरकार को मदद देने का काम किया है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे मेडिसिन का सवाल हो, चाहे रेलवे के द्वारा प्रवासी मजदूर को लाने का सवाल हो, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आर्थिक पैकेज मनरेगा में भारत की सरकार ने यहाँ पर राशि बढ़ाने का काम किया। देश के कई राज्य केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं, इसी कड़ी में झारखंड का भी हक बनता है कि वह भी केंद्र से आर्थिक मदद ले। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे केंद्र के समक्ष पेश किया जाएगा। कैमरामैन रिंकू के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।